Hello everyone, welcome to Biotech Sapiens. So in today's video, I will let you know about the important topics to be covered in cell biology. ठीक है कि cell biology के अंदर कौन कौन से ऐसे important topics हैं जो आपको cover करने चाहिए. ठीक है. So basically अगर मैं आपको अपने experience के base पे बताऊँ तो broadly अगर मैं cell biology की बात करूँ तो एक तो cell membrane. ठीक है ना. So एक cell membrane एक ऐसा topic है जो कि मतलब जिसपे बहुत ज़्यादा questions आते हैं. ठीक है, क्योंकि एक तो आपको सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं सेल की मेम्ब्रेन में उसके बारे में बताओ. ठीक है, कि ये जो लिपिड्स जो होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, वो बेसिकली दे आर नॉट लाइक, वो ऐसे नहीं होते कि वो बेसिकली आपके मूव नहीं करते. तो बेसिकली देर इज मूवमेंट ऑफ लिपिड्स, तो उसके लिए फ्लिपेज, फ्लोपेज, क्रैम्पलेज ये सब आते हैं. और सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज है विच इज कॉमन इन ऑल द सेल्स, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे यूकेरियोट्स हैं. ठीक है, कि उनमें क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, सो मेम्ब्रेन का बताओ कि मेम्ब्रेन का ओवरऑल नेचर जैसे हाइड्रोफोबिक होता है. ठीक है, लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर क्या आपका, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे ग्लूट होता है एक, जो कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है, ऐसे ही आप सोडियम पोटेशियम एटी बेस पढ़ते हो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराता है. तो जितने भी टाइप के ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, तो आपको एक तो ये आइडिया हो वो किस टाइप का ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं. वो डिफ्यूजन कराते हैं, मतलब विच इज अ पैसिव प्रोसेस, एक्टिव कराते हैं. एक्टिव में भी हम आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर होते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर होते हैं. सेल मेम्ब्रेन में अलग अलग टाइप के पंप्स होते हैं. ठीक है, जैसे बेसिकली हम बोलते हैं अलग अलग टाइप के, हम उन्हें एटीपेज बोल देते हैं, पी टाइप एटीपेज, एफ टाइप एटीपेज, वी टाइप एटीपेज, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स, एक्वापोरिंस. ठीक है, तो वो सब हमें बताओ. ठीक है, बाकी ये जो सॉर्टिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, जैसे क्या होता है ना, अब हर एक चीज जो है, जैसे जनरली जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो ER पे बनते हैं. ठीक है, लेकिन ER से आगे उन्होंने बेसिकली आपका जो गोल्जी के पास जाना है, या आगे लाइसोसोम बनना है, या सेल मेम्ब्रेन के पास जाना है, या सिक्रीट होना है. ठीक है, तो ये सब हमें पता होगी. तो ये वेसिकल्स की फॉर्म में होता है. ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो अलग अलग टाइप की वेसिकल्स होती हैं, जैसे कोप वन, कोप टू एंड क्लेथरिन. ठीक है, तो वेसिकल्स की कोटिंग डिसाइड करते हैं कि उसको वो किस तरफ जाएगी, वो ER से गोल्जी की तरफ जाएगी या गोल्जी से दोबारा ER के पास आएगी. ठीक है, तो ये मेरे लिए आपने इसमें ध्यान रखना है. ठीक है, बाकी जितने भी ऑर्गेनलीज हैं, क्योंकि यूकेरियोटिक सेल्स जो होते हैं दे आर नोन फॉर देयर ऑर्गेनलीज. ठीक है ना, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कोई भी आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं होती हैं. तो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में आपको डिफरेंस पता हो. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, ग्राम नेगेटिव की कैसी होती है. ठीक है, तो वो सब डिफरेंसेस पता होने चाहिए. सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, ER, पेरोक्सिसोम्स, प्लांट वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, साइटोस्केलेटन, जिसमें हम बेसिकली इसकी बात करते हैं आपके, चाहे वो सीलिया है चाहे वो फ्लैजिला है. ठीक है ना, तो विच आर बेसिकली और माइक्रोटिब्यूल्स. ठीक है, तो तीन चीजों की हम बात करते हैं. एक हम माइक्रोटिब्यूल्स की बात करते हैं, एक हम माइक्रोफिलामेंट्स की, और एक हम किसकी बात करते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की. ठीक है, तो आपको ये आइडिया हो कि जो अलग अलग टाइप के बेसिकली क्या होते हैं, जो साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है. ठीक है, वो भी आपने उसमें ध्यान रखना है. माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गए. ठीक है, और ऑर्गेनलीज, जनरली ऑर्गेनलीज के बारे में ये होता है ना, जैसे कोई प्रोटीन है उसके ऊपर क्या सिग्नल होगा कि वो ER का पार्ट बने. जैसे अगर आपने पढ़ा KDEL, जिस भी प्रोटीन पे ये सिग्नल होता है वो ER के ल्यूमन का पार्ट बनता है. ठीक है, इसके अलावा एक सिग्नल होता है SKL, जिसमें ये सिग्नल होता है वो पेरोक्सिसोम का पार्ट बनते हैं. ऐसे एक सिग्नल होता है MNO6-phosphate. ठीक है, जिस भी प्रोटीन पे ये सिग्नल होगा वो लाइसोसोम का पार्ट बनेगा. ठीक है, तो बेसिकली वही होता है. देखो, देखने में तो बस ये एक जस्ट इंफॉर्मेशन है कि न्यूक्लियस, अब कितनी डिटेल में जाना है. ठीक है, अब जैसे न्यूक्लियस की बात करें तो इसको हमें काफी डिटेल में पढ़ना पड़ता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा है, कि न्यूक्लियस से चीजें बाहर आ रही हैं, अंदर आ रही हैं. ठीक है, क्योंकि आप देखो ना, जो भी RNA होते हैं वो तो न्यूक्लियस में बनते हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स हैं वो कहाँ पर बन रहे हैं, बाहर. दैट इज ऑन आइदर ऑन फ्री राइबोसोम्स और मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स. तो ये सब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें बड़ा क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस में,
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जनरली उसमें तो बहुत सारी आपकी साइकिल्स होती हैं, चाहे वो सिट्रिक एसिड साइकिल है जो कि मैट्रिक्स में होती है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। तो हर एक ऑर्गेनली के बारे में यू शुड हैव, अब ये नहीं कि ऑर्गेनली के स्ट्रक्चर आपने याद रखने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस ऑर्गेनली के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। और जो भी जैसे एक इसमें इंपॉर्टेंट ये बता रखा है, जो इंट्रा जो ट्रांसपोर्ट होता है वेसिकल्स का, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पीछे ही बताया कि किसी किसी चीज को ईआर से गोल्जी के पास जाना है तो वो वेसिकल की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। एक सिस्टम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम गोल्जी की बात करते हैं, ईआर की बात करते हैं और लाइसोसोम की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेसिकली आपका जीन्स एंड क्रोमोसोम, ठीक है, ये थोड़ा वैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ओरिएंटेड है कि ऑपरॉन्स क्या होते हैं, रिपीटेटिव डीएनए कैसे होते हैं, सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, क्रोमैटिन, ठीक है, जो हम मतलब इसको मॉलिक्यूलर बायो में भी पढ़ सकते हैं, क्रोमोसोम्स, हेटरोक्रोमैटिन कैसे बनता है, यूक्रोमैटिन कैसे बनता है, हेटरोक्रोमैटिन जिसे हम ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव बोलते हैं, यूक्रोमैटिन जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यू कैन रिलेट इट मोर टू द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइटोसिस, मियोसिस, सेल साइकिल, वेरी हॉट टॉपिक, ठीक है। आपको सेल साइकिल मतलब जितने डिटेल में पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, क्योंकि सेल साइकिल में भी डिफरेंस है अलग अलग, जैसे मान लो कई बार सैक्रोमाइसिस सेरेब्रेसाई की सेल साइकिल कैसी है, शाइजो साइक्रोमाइसिस कॉम्बे की, कई बार तो सबसे पहले आपको बेसिक पता हो कि माइटोसिस मियोसिस क्या होता है, उसकी स्टेजेस क्या होती हैं, ठीक है, और मेनली सीडी के जो साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसके बारे में पता हो कि बेसिकली, क्योंकि जो सेल एक एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा रहा है, जैसे G1 से S में जा रहा है या S से G2 में जा रहा है, तो वो CDK के साइक्लिन के कॉम्प्लेक्सेस उसे रेगुलेट करते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई ये जो माइटोसिस मियोसिस क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें बेसिक पता हो कि मियोसिस में एक्चुअली हो क्या रहा है, कैसे रिडक्शनल डिविजन हो रही है। एक आता है नो डिजंक्शन, कि जो आपके क्रोमोसोम है मान लो वो सेपरेट नहीं हो पा रहे तो उसका क्या कारण होता है। तो इट्स वेरी हॉट टॉपिक और यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक हर एक एग्जाम के अंदर, क्योंकि सेल साइकिल आते होगी तभी आप जेनेटिक्स को अच्छे से कर पाओगे। यू शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग की क्रोमोसोम सेग्रीगेशन क्या होता है, कौन से स्टेजेस पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, ये थोड़ा जो माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स होती है जिसमें हम आपका ग्रोथ कर्व पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी इक्वेशन भी होती है वो भी हम पढ़ते हैं, नंबर ऑफ जनरेशन निकालते हैं, मीन जनरेशन टाइम क्या होता है, मीन ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है, एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जनरली जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो जनरली एंडोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, अपने आप को स्ट्रेस रिस्पॉन्स से बेसिकली बचाने के लिए, ठीक है। तो एंडोस्पोर जो होते हैं वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं ड्यू टू कैल्शियम डिपिकॉलिनेट, ठीक है। सो दीज आर ब्रॉडली द टॉपिक्स, एंड आई वुड से कि सभी टॉपिक्स ऐसे ही हैं जिन सब पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो बट द मेन पॉइंट इज दैट यू शुड प्रिपेयर थ्योरी, आप पहले आप थ्योरी प्रिपेयर करो, आपको अच्छी थ्योरी आनी चाहिए और उसके बाद ही आप क्वेश्चंस करिए, एंड दैट विल गिव यू एन आइडिया। सो थैंक यू सो मच।